नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे अपने हाथ में वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो हमें यश, अपयश, धन दौलत और जीवन में हम कितनी सफलताएं प्राप्त करेंगे वो बताती हैं। तो चलिए जानते हैं वो रेखाएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति का जीवन कितना सफल और असफल है ये इन तीन चीजों से निश्चित होता है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट होता है कि मान सम्मान, समाज में हमारी सम्मान की स्थिति क्या है, हम अपने पारिवारिक जीवन में कितना सम्मान पाते हैं या फिर अपने वर्क प्लेस पर हमारा कितना सम्मान होता है, ये भी हमारे हाथ की रेखाएं ही निर्धारित करती हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी रेखाएं हैं जो हमें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाती हैं और हम कितने प्रचलित होते हैं ये बताती हैं। तो दोस्तों, रिंग फिंगर के नीचे एक सीधी रेखा हो, चाहे वो हल्की हो या गाढ़ी हो, वो जीवन में हमें ये बताती है कि हम कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अगर वो रेखा हल्की है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत शुभ संकेत है। आप जीवन में बहुत प्रतिष्ठित होंगे और आप पर धन वैभव भी बहुत आएगा। यही अगर ये सूर्य रेखा कहीं से कटी फटी है या बीच में ब्रेक होकर फिर शुरू होती है तो ये जीवन में ये दर्शाती है कि जीवन में आपको मान प्रतिष्ठा में कभी कभी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। कहीं आपकी बात को ना माना जाए, हो सकता है कि आपके घर में ही वैचारिक मतभेद हो, तो ये चीज़ ये दर्शाती है। अगर ये सीधी है तो बहुत ही बढ़िया है। यही दोस्तों, अगर आपकी सूर्य रेखा के साथ एक सपोर्टिंग रेखा भी है जो थोड़ी छोटी भी हो सकती है या उसके बराबर हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा संकेत है। वो भी जीवन में आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसा दोनों ही हासिल करवाती है। दोस्तों, अगर आपके हाथ में दूसरा चिन्ह आपके चंद्र पर्वत पे क्रॉस का निशान है तो ये भी बहुत अच्छा ही संकेत माना जाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को ये भी कहा जा सकता है कि ये ओवरथिंकर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आगे तक सोच लेते हैं। अगर मन में कोई विचार आया तो उसके अंत तक पहुँच जाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बारे में बहुत चिंतन करते हैं। यही अगर ये रेखा क्रॉस की है तो ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। तो ऐसे जातकों की एक विशेषता ये भी होती है कि लोग समाज में इनसे खुद अपने आप बात करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं और इनकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव होती है कि लोग अपने आप ही आकर्षित होते रहते हैं। अगर यही चंद्र पर्वत पर आपके कोने में हथेली की तरफ अगर थोड़ा उभरा हुआ है तो ये भी एक अच्छा संकेत है। ऐसे व्यक्ति भी जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यही अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा से कोई रेखा सूर्य रेखा की तरफ जा रही है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। हस्त रेखा में ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि ऐसी रेखाएं जिनके हाथ में होती हैं वो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर ये भी हो सकते हैं। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड और भी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो मैंने इससे पहले भी इस वीडियो पर कुछ चर्चा की थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि हमें जीवन में कितनी मान प्रतिष्ठा मिलेगी, अब हम ये जानेंगे कि वो कौन सी रेखाएं हैं जो हमारी वेल्थ कितनी रहेगी जीवन में वो बताएंगी। तो दोस्तों, पहला संकेत है उंगलियों का गैप। उंगलियों को कस के जोड़ते हैं और उसमें गैप नजर नहीं आता तो ये बहुत अच्छा संकेत है। ऐसे व्यक्ति पे धन आता भी बहुत है और संचित भी बहुत कर लेता है। लेकिन यही अगर उंगलियों के बीच में गैप है तो ऐसा व्यक्ति धन तो अर्जित करता है लेकिन साथ साथ उसके खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं और धन उसके पास टिकता कम है। यही दोस्तों, अगर हमारे हाथ में मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा एक ट्रायंगल बनाती है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत धन प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये ट्रायंगल आपको धन तो दिलाता ही है, साथ ही धन के साथ साथ आपके वैभव को भी बढ़ाता है। ये धन बहुत अच्छे तरीके से अर्जित किया हुआ होता है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आई बटन पर जाके क्लिक कीजिए और इससे रिलेटेड वीडियो को विस्तार में देखिए। यही दोस्तों, अगर आपके अंगूठे की इस लाइन पे फिनिक्स आय बन रही है तो ये भी एक शुभ संकेत है। ये भी जीवन में आपको काफ़ी धन धान्य से पुण्य रखता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँ, अगर आपके हाथ में ये सभी चिन्ह हैं तो सोने में सुहागा है ही। अगर ये नहीं भी है, एक आध चिन्ह भी है, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहता है और वो एक अच्छा संकेत भी होता है। यही दोस्तों,
हमारे हाथ में उंगलियां जो तीन भागों में डिवाइड हो रही होती हैं, अंगूठा अगर चार भाग में डिवाइड हो रहा हो और ऊपर का हिस्सा काफ़ी बड़ा हो तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर मालामाल रहता है। तो दोस्तों, अगर अंगूठे में ये चार भाग में डिवाइड होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन तो प्राप्त करता ही है, साथ ही एक अच्छी जीवन शैली को जीता है और जीवन की हर चीज़ों को एंजॉय करता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना मान प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, धन कैसा रहेगा। अब हम जानते हैं इसके तीसरे आयाम के बारे में कि पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर हमारी लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ पर सिंगल एक लाइन दर्शाती है तो हमारा पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। यही दोस्तों, अगर हमारा हाथ गुलाबीपन पे है, हमारी हथेली गुलाबी है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जीवन में उसे किसी बीमारी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता और एक अच्छी जीवन शैली जीता है। यही दोस्तों, अगर आपके हाथ में काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कटी फटी हैं, तो ऐसे हाथ पामिस्ट्री में काफ़ी उलझनों को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, जीवन में किसी निर्णय लेने से पहले भी बहुत परेशान रहता है तथा अपने जीवन से संतुष्ट भी कमी पाया जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।